बिहार में 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना शुरू होगी, तो 17 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में से 15 का कोड तय हुआ है। धर्म, जाति से लेकर पढ़ाई कमाई का भी कोड है। यह कोड तो जनगणना कर्मियों के काम की चीज है, लेकिन रोचक यह है कि इस जनगणना में अधर्म का भी कोड है। कई बहुसंख्यक जातियों का कोड 3 अंकों में है, जबकि कम जनसंख्या वालों का कोड 1 या 2 अंकों में है। पहले दूसरे नंबर के कोड की जाति अगरिया और अघोरी है। क्या पता आपने इन शब्दों का नाम जातियों के रूप में सुना हो। और हाँ, अजाति का भी कोड है, मतलब आपकी जाति न हो या सरकार को भी इससे पहले आपकी जाति का नाम पता नहीं हो तो उसके लिए अलग कोड का प्रावधान है। कुल 214 जातियों के लिए कोड निर्धारित किया गया है। कोड 215 अन्य जातियों के लिए है। जातिगत जनगणना में हिंदू धर्म को कोड 1 मिला है। इसके बाद इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म का नंबर आता है। 6 तक नंबर है। इससे इतर कोई अन्य धर्म बताते हैं तो जनसंख्या कर्मी कोड 7 लिखेंगे, और अगर धर्म नहीं है बताते हैं तो कोड 8 लिखा जाएगा। इसी तरह परिवार के सदस्यों के लिए भी अलग अलग कोड है। परिवार के मुखिया का कोड 1 है, पति पत्नी के लिए 2, पुत्री पुत्र के लिए 3, पोती नातिन पोता नाती के लिए 4, माता पिता के लिए 5, भाई बहन के लिए 6, दादी नानी या दादा नाना के लिए 8, और सास ससुर के लिए कोड 9 रखा गया है। आप जिस कक्षा तक पास होंगे वो आपका कोड है। पहली के लिए 1 तो दसवीं के लिए यानी मैट्रिक के लिए 10 कोड लिखा जाएगा। इंटर का 12, ITI का 13, इसी तरह हर शिक्षा के लिए कोड है। सरकार ने 53 तरह के शिक्षा कोड बनाए हैं। इंजीनियर का कोड 23 तो डॉक्टर का 25 है, MBA का कोड 27 तो LLB का कोड 28 रखा गया है। इसी तरह आपके काम के हिसाब से भी जनगणना कर्मी कोड डालेंगे। सरकारी नौकरी बताएंगे तो नंबर 1 पर रहेंगे। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी बताएंगे तो दूसरे नंबर पर। असंगठित क्षेत्र की प्राइवेट नौकरी वाले नंबर 3, स्वरोजगार वाले नंबर 4 पर रहेंगे। पेशा के रूप में भिक्षाटन भी है। भिखारी होंगे तो कोड 10 मिलेगा, कचरा बिनने वाले को 11, विद्यार्थी को 13, गृहिणी को 14 और साफ बेरोजगार को कोड 15 मिलेगा। बिहार में जातियों की पहचान अब अंकों के आधार पर तैयार किए गए कोड से हो। यह सुनकर आपको भले ही थोड़ा अटपटा लगा हो, लेकिन यह सही है। दरअसल बिहार में जारी जाति आधारित गणना में अलग अलग जातियों की पहचान के लिए अंकों के जरिए अलग अलग कोड तैयार किया गया, जिसके आधार पर जातियों की पहचान होगी। इसके बाद अंकों से ही पता चल जाएगा कि कौन किस जाति से आता है। बिहार में जारी जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण में प्रपत्र के अलावा पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए जाति के अंकों के आधार पर बनाए गए कोड भरे जाएंगे, जिससे जातियों की पहचान हो जाएगी। बिहार में 15 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना के दौरान 17 कॉलम और 215 जातियों के नामों की सूची बनाई गई है। हर जाति के लिए अलग अलग कोड तय किए गए। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भविष्य में भी आवेदन पत्रों और अन्य रिपोर्टों में इन कोड्स के जरिए जातियों की पहचान की जा सकेगी। उदाहरण के तौर पर बनिया के लिए कोड संख्या 124 है। बनिया जाति में सूड़ी, गोतक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कमलापुरी वैश्य, माहुरी वैश्य, बांगी वैश्य, वैश्य पोदार, बर्नवाल, अग्रही वैश्य, कौशोधन, गंधबनीक, बाथम वैश्य, गोलदार आदि शामिल हैं। कुल 216 जातियों के कोड की बात करें तो 1 नंबर पर अगरिया जाति है, अन्य का कोड 216 है। 215वां कोड केवानी जाति के लिए है। कायस्थ के लिए कोड संख्या 22 का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ब्राह्मणों के लिए 128 और भूमिहारों के लिए 144 कोड तय किया गया है। इसी तरह अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कोड बनाए गए हैं। अगर इस डेटा में कोई छेड़छाड़ की जाती है तो उसे ऐप पकड़ लेगा। पटना जिले में 12,831 गणना कर्मियों को 15 अप्रैल से 15 मई तक 73,52,729 लोगों की गणना करनी है। एक व्यक्ति की गणना एक ही स्थान से की जाएगी, इसमें कोई दूसरे स्थान से गणना नहीं करा सकते। यदि कोई व्यक्ति कहीं और भी रहता है तो उसे पूछकर एक जगह से गणना की जाएगी। यदि कोई दोहरा होगा या फिर कोई गड़बड़ी होगी तो ऐप या पोर्टल उसे पकड़ लेगा। इसी तरह से दोबारा नाम जानने की संभावना खत्म हो जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।